थे। हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सप्तश्रृंग सोवत है तहाँ, पांडुराज ये योग कमावा, ते हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का। तो वहाँ से बद्रीनाथ से लौटते हुए वो हमारे गांव आए, उस समय हमारे दादाजी। और इस स्थान की खूबी ये है, सभी लोगों की जो बहुत दूर दूर से भी आते हैं, सभी की मनोकामनाएं, जो मन की इच्छा होती है, वो पूर्ण होती है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है बद्री घाटी के खूबसूरत से गांव पोलना विलेज में। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ना थोड़ा हिस्ट्री बताइए श्री हेमकुंड साहिब की, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे तो उतना मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि मैं ऐसे बता सकूं। तो जिन्होंने देखा है उस हिस्ट्री को क्रिएट होते हुए, तो मेरे पापा जी हैं, तो उनके साथ मैं जो है ना ब्लॉग बनाने वाला हूं, उनसे पूछने वाला हूं कि कब शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी, कौन आया था, कैसे खोजबीन जारी हुई थी श्री हेमकुंड साहिब पवित्र सरोवर की एक। तो उनसे जान लेते हैं, क्योंकि भाई दादाजी को तो उन्होंने ही देखा, और है ना मैं तो छोटा रहूँगा या मैं पैदा ही नहीं हुआ हूँगा। तो पापा जी से जानेंगे, अभी बैठ करके पूछते हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे सब पूछेंगे। अब जो है ना पापा जी को पूछते हैं कि कैसे खोजबीन जारी हुई, कौन आया, क्या आए, कौन संत लोग थे, तो उनके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पापा खुद ही, मुझे तो आइडिया नहीं है सन से लेकर के कौन से टाइम से। सन 1932 से पहले बद्रीनाथ यात्रा पे मास्टर तारा सिंह के साथ गए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पता किया कि हेमकुंड साहिब, जो जिसका प्राचीन नाम लोकपाल मंदिर है, वहाँ मेला लगता है। वो जन्माष्टमी, रक्षाबंधन को मेला लगता है, वहाँ कई लोग जाते हैं कह के। तो वहाँ से बद्रीनाथ से लौटते हुए वो हमारे गांव आए, उस समय हमारे दादाजी रतन सिंह जी ग्राम प्रधान हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि जो लोकपाल है, आप वहाँ जाइए। उन्होंने पिताजी को उनके साथ भेज दिया। तो उन्हें उनको लगा कि यही स्थान ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जो पहला जन्म था, जन्म दुष्ट दमन के रूप में, यही स्थान हो सकता है। उसके बाद फिर वो नीचे आए, उसके बाद उन्होंने संत सोहन सिंह को फिर गांव में भेजा, और पिताजी उनके साथ थे। और उसके बाद वो ऊपर गए तो आकाशवाणी ये हुई, जिस स्थान को आप ढूंढ रहे हैं, ये वो स्थान जो है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो विचित्र नाटक में वर्णन किया है ना, उसी आधार पर खोज शुरू हुई। उस विचित्र नाटक में वर्णन किया गया है कि हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सत्संग सोवत है तहाँ, पांडुराज यही योग कमावा, ते हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। तो इस आधार पर वो स्थान की खोज हुई, कई जगह हुई, नेपाल भी गए, कश्मीर भी गए, लेकिन संत सोहन सिंह को आकाशवाणी, उस समय पिताजी भी साथ में थे, हुई कि जिस स्थान को आप ढूंढ रहे हैं वही यही स्थान है। उसके बाद उन संत सोहन की मन की स्थिति ऐसी हुई कि बहुत उनको बहुत खुशी हुई, उनके साथ पिताजी भी थे, तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उसके बाद उन्होंने बाबा मोदन सिंह को इस घटना के बारे में बताया। उसके बाद बाबा मोदन सिंह ने पिताजी के साथ फिर ऊपर गए, मोदन सिंह के साथ, बाबा मोदन सिंह के साथ पिताजी भी साथ में गए। उस समय मंत्री श्री नंदा सिंह चौहान, जो मेरे पिताजी थे, वो साथ गए। फिर बाबा मोदन सिंह ने कुछ धन देकर पिताजी को, उस समय वहाँ यहाँ पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, कुछ मनी ऑर्डर से कुछ भेजा। उसके बाद कहा कि यहाँ 10x10 का गुरुद्वारा बना दीजिए। तो पांडु के सर कई लोग थे, ठेकेदार थे, उन्होंने उस समय उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किया। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि दसवें गुरु महाराज जी ने इस तीर्थ स्थान में तपस्या की और सारे लोगों को प्रेरणा दी कि ऐसा बनो कह के। मैंने बचपन से सुना है, पिताजी जब लोग पूछते थे हेमकुंड साहिब की खोज कैसे हुई,
तो पिताजी कहते थे हेमकुंड पर्वत है जहाँ, सप्तशृंग सोवत है तहाँ, पांडुराज ये योग कमावा, ते हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। उन जगह को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वास्तव में है वहाँ का कुछ अध्यात्म तो है ही, वहाँ दुष्ट दमन जी के रूप में पहले जन्म में जो तपस्या की लक्ष्मण महाराज जी जिसको कहते हैं, वहाँ लक्ष्मण महाराज भी हैं, तो उन्होंने भी शेषनाग के रूप में जो विष्णु भगवान के जो सैया होती है जिस पर सोते हैं शेषनाग, जिस पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, तो लक्ष्मण महाराज जी ने भी यहाँ पहले जन्म में तपस्या की है इस स्कंद पुराण के अनुसार। अखंड ग्रंथ साहब का अध्ययन किया, घर पर तो वो करते ही थे, गुरु ग्रंथ साहब का पूरा अध्ययन करते करते वो जब गुरु ग्रंथ साहब का पूरा वो करते थे उसके बाद वो प्रसाद बनाते थे घर में। वो हमें याद है, हमारी उम्र उस समय 10-12 वर्ष की थी, तो कड़ा प्रसाद बनाते थे और हम बहुत खुश हो जाते थे। कई यात्री लोग भी आते रहते थे, बड़े बड़े लोग भी आते थे, जो सेक्रेटरी है शमशेर सिंह जो सेक्रेटरी थे वो भी आते थे, और मान साहब तो बहुत पहले आते थे, और उसके बाद प्रताप सिंह ये जत्थेदार थे, और मदन सिंह बाबा मदन सिंह भी आते थे, वो ट्रस्टी थे, और मेजर उमराव सिंह का जत्था भी आते थे, वो भी पिताजी को साथ लेके अपने सारे लोगों को बुलाते थे गुरुद्वारे में और कहते थे आप कथा बोलो। तो फिर लोग देख के बड़ा आश्चर्य हो जाते थे कि गुरु कृपा बहुत बड़ी होती है, सब पे नहीं होती कृपा। गुरु कृपा माने वाहिगुरु की कृपा, और वाहिगुरु माने जो सब में निवास करते हैं उन्हीं को वाहिगुरु कहते हैं। तो वाहिगुरु का जब मैं कभी पिताजी को पूछता था वाहिगुरु के, तो गुरु है भगवान ही है कह के, वाही माने वाह माने वासुदेव जो सबके मन में बसते हैं, हे माने हरि माने वो भी भगवान ही है, रो माने राम जो, क्योंकि हमारे मन में हमेशा राम रहता है, हैं वही गुरु, रो से राम, हे से हरि, गो से गोविंद, गोविंद जी। गुरु गोविंद सिंह जी तो कहते थे आप उन दास तवन को जानूं, काहे के भेद न रंग पहचानूं। गुरु गोविंद सिंह महाराज इतने महान लोग थे, इतिहासकार थे, दार्शनिक थे, वीर थे, योद्धा थे, इससे बड़ी चीज़ इस दुनिया में बहुत कम उपलब्ध है। उनके अंदर कितना अच्छा गुण था, चार पूत जिन कौम को हारे फिर भी साथ न हारे, कितने बहुत महान बलिदानी थे, महान साहित्यकार थे, महान लेखक थे, महान वीर थे, जिन्होंने पूरे समाज को एक सूत्र में बांध दिया है। धीरे धीरे संगत काफ़ी कम मात्रा में आती थी 1950 से पहले, उसके बाद धीरे धीरे हर साल संगत बढ़ती गई, कभी 150 कभी 232 के बाद जो जितने भी यात्रा आती थी पिताजी उनको साथ ले जाते थे, हेमकुंड साहिब का दर्शन कराते थे, फिर वहाँ से उस समय पैदल यात्रा थी, और गोविंद धाम से ऊपर तो दूसरा ही रास्ता था, बहुत कठिन रास्ता था, हाथ पकड़ पकड़ के जाना पड़ता था, तो पिताजी वहाँ उनको दर्शन करा के फिर गोविंद धाम में ठहरा करके फिर नीचे गोविंदघाट छोड़ने जाते थे। तो ये कार्य पिताजी ने काफ़ी वर्षों तक किया, और पिताजी को भी गुरु महाराज की कृपा से पिताजी ने गुरुवाणी का अध्ययन शुरू किया, और शायद पिताजी को पूरे पंजाबी जो व्याकरण होता है, जो ग्रामेटिकल होता है गुरुवाणी में लिखे है, वो पिताजी को काफ़ी कंठस्थ याद था, तो यात्री लोग पिताजी को ले जा करके पिताजी से अरदास करवाते थे, वो तो बहुत खुश होते थे, वहाँ प्रसाद भी बनता था छोटे छोटे, वो भी बना के फिर पहले 1970 से पहले
काफ़ी कमी यात्री थे, पर लेकिन उन्नीस सौ सत्तर के बाद हेमकुंड साहब की यात्रा ने बहुत तेज़ी आई 1980-82। उसके बाद तो अब काफ़ी लोग हेमकुंड साहब का दर्शन करते रहते हैं। पिताजी ने श्री हेमकुंड साहिब में लगभग 35 वर्षों तक सेवा की और ग्रंथी के रूप में भी सेवा बहुत की, क्योंकि कई जो संगत आती थी सबसे पहले ही पिताजी से मिलते थे, हमारे गांव में आते थे, यहाँ ठहरते थे, क्योंकि उस समय इतना मतलब पैदल यात्रा ज़्यादा थी, तो पिताजी घर में ठहरा करके और गोविंद धाम जिसका पहला नाम गांगरे है वहाँ ठहरा करके और फिर हेमकुंड साहिब में कड़ा प्रसाद बना के यात्रियों को अरदास करा के तो आते थे। कई उसके बाद कई संगतें आई, लुधियाना से आई, पंजाब से आई, लुधियाना, तरन तारण, पटना साहिब हैं से आते थे, तो वो पिताजी को साथ ले जाते थे और पिताजी से जो पूरा अरदास तो पिताजी को बाई हार्ट था और वे गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन हमेशा किया करते थे। सुबह लगभग 3 बजे उठ के लगभग 2-3 घंटे गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन करते थे और काफ़ी उनको मौखिक याद था, बाई हार्ट जिसको कहते हैं, वो सच्चे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सच्चे दास समझ दास पिताजी कहते थे, तो मैं तो दास हूँ, सेवक हूँ, मैंने सेवा करनी है। 85 के बाद पिताजी की उम्र भी लगभग काफ़ी हो चुकी थी, फिर भी हमारे घर में काफ़ी संगतें आती थी। पहले उसको जत्था कहते थे, जत्था, वो आके पिताजी से हेमकुंड साहिब के बारे में कई जानकारियाँ लेते थे और वो फिर वो भी कहते थे कि हमारे यहाँ आओ, तो पिताजी काफ़ी गए, लुधियाना, ये तरन तारण, अमृतसर, पटना साहब भी गए हैं वो हैं, तो कई विदेशी यात्री भी कहते थे कि पिताजी को हम आपके साथ ले जाते हैं। तो एक बार जो है, मैं उस समय छोटा था, तो कोई थाईलैंड मलेशिया से आए थे, वो तो पिताजी को तुरंत अपने साथ ले जाने के लिए तैयार रहते थे। उससे पहले एक ब्रिटेन से, इंग्लैंड से माँ आई थी, उन्होंने कहा ब्रिटेन में 200 गुरुद्वारे हैं, पर जैसा आप कहते हैं वैसे वहाँ नहीं कहते हैं, आपको तो सारी याद ही है, वो गुरु महाराज की कृपा है। और इस संस्थान की खूबी ये है, सभी लोगों की जो बहुत दूर दूर से भी आते हैं, सभी की मनोकामनाएँ, जो मन की इच्छा होती है वो पूर्ण होती है, किसी को बीमारी रहती है वो भी ठीक हो जाती है, किसी के बच्चे ना हो, संतान हो, वो भी प्राप्त हो जाती है। हैं, दोनों तीर्थ स्थानों में अगर दर्शन करो, मन से करो, पहले तो लोग गोविंद घाटी से नंगे पाँव ही जाते थे, कितनी बड़ी श्रद्धा थी होगी। हैं, तो बहुत पिताजी ने खुद तपस्या की है, पिताजी खुद कहते हैं जो हम हैं हमारे 2-3 भाई हैं, उन्होंने हेमकुंड साहब में 7 दिन तक अखंड पाठ किया, तब कहते हैं ये सब गुरु कृपा है, हाँ दोनों कृपा है, लक्ष्मण भगवान जी की कृपा है, वाहेगुरु जी की भी कृपा है, वाहेगुरु एक ही चीज़ है, सारी चीज़ें दुनिया में सब चीज़ें एक ही हैं, जो भगवान ने बनाया वो सबको एक ही जैसा बनाया। तो पिताजी ने जितने भी अरदास की होंगी, जितने तो श्रद्धालुओं के लिए अरदास की होंगी, उनकी मनोकामनाएं के लिए अरदास की थी, पिताजी कई लोग बोलते थे, दोबारा आके भी बोलते थे सारी पूरी होगी कह के। पिताजी वास्तव में एक महान संत थे, उनका भाव ऐसा था, संतों जैसा भाव था, उन ऐसा संत दुर्लभ है, जिन्होंने स्वयं अपने लिए कुछ नहीं किया, सारे समाज के लिए और सभी के भलाई के लिए कार्य किया। तो मैं अपने पिताजी को सबसे बड़ा संत मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ, और जो भी आते हैं, जो बहुत उस पीढ़ी के हैं, जो अभी बचे हुए होंगे, कोई पठानकोट में भी थे, कोई 120 वर्ष रहे हो,
को कहते थे बाबा नंद सिंह, बाबा शेर सिंह भी बहुत याद करते हैं, जिन्होंने पिताजी के साथ खूब रहे। और पिताजी ने लगभग 22 वर्षों तक, एक संत थे ऋषिकेश में, संत सूरत सिंह, उनके साथ हेमकुंड की सातों पहाड़ियों में जसान साहिब, वो 22 साल तक गए उनके साथ। उनके साथ उन्होंने 22 साल तक, बाद में शेर सिंह जी भी महाराज भी गए और उनके साथ भी रहे वो, तो 22 साल तक निशान साहब चढ़ाया। जब निशान साहब एक ही दिन में नहीं चढ़ा जाता है, वो उसको लगभग 2-3 दिन एक निशान साहब चढ़ाने में लग जाते हैं। तो साथ चढ़ाना तो बहुत बड़ी चीज़ है। उस समय इतने साधन भी नहीं थे, गरीबी थी, फिर भी गुरु महाराज की कृपा से सारा काम सफल हुआ और सभी तीर्थयात्रियों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप अवश्य आए, दर्शन करें, तो आपको गुरु के सानिध्य में रहने का लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, होप्स आपको थोड़ी सी स्टोरी और हिस्ट्री का मालूम पड़ा होगा, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी कभी और दिन अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, लंबी वीडियो होगी, पर डिटेल में जाएंगे कि किस तरीके से जो जब खोजबीन करने वाले आए संत लोग, तो यहाँ पे घर पे भी रुके थे और यहाँ पे घर इतना ऐसा नहीं था कि अब जो आपको दिख रहा है घर, उस टाइम छप्पर हुआ करते थे, तो यहाँ रोटियाँ खाई, रहे भी एक एक दो दो तीन तीन एक एक हफ्ता। तो दादाजी के साथ जाते थे नंदा सिंह चौहान जी, तो वो भी मार्गदर्शन करते थे, बर्फ़ रहती थी, रास्ता अच्छा रहता, तो कंधे पर भी उठा करके कई संगतों को ले गए वो, पीठ पर उठा करके। तो सब चीज़ें उनको बाई हार्ट याद थी, जैसे बापा जी बता रहे थे गुरु ग्रंथ साहिब हो गया और रामायण का ही पाठ करते थे, और दोनों जगह पूजा करते थे, मंदिर में भी और गुरुद्वारा साहब में भी, जो भी अरदास वगैरह होती है सबको। तो काफ़ी लोग याद भी करते हैं अभी, तो बहुत लोगों की डिमांड भी थी यार, पर्सनली उन्होंने मैसेज भी किया इंस्टाग्राम पे, जो पुराने लोग थे जो उनको जानते थे अच्छे से, है ना, जिन्होंने उन्होंने सुना, उनकी एज के होंगे 80-85 साल के, तो फिर उनकी भी रिक्वेस्ट थी। और मुझे इतना हिस्ट्री का मालूम नहीं है, है हाँ मतलब हाई ऊपर ऊपर का मालूम है, तो जो थोड़ा बहुत अभी डिटेल्ड में हुआ, होप्स आपको अच्छा लगा होगा। फिलहाल आज का व्लॉग यही था दोस्तों, एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।